लटकन लई दुबालम भूसा बिकाए लटकन लई कहने लगी भूसा बिकाए है कहने लगे प्या मेरे को लटकन चाहिए और ये जत्ता भूसा है ऐसा करे सब भूसा भेज दिया और लटकन लयाओ। पति देवता कह रहे हैं अगर भूसा भेज डरबे तो ये जो दूधवर बैल है ये का खाए हैं और ज्यादा भूसा है नहीं क्विंटल दो क्विंटल भूसा है भूसा भी कहीं है बैल कहीं नहीं सुना चाहे बैलो बेकाय चाहे बैलो बेकाय लटकन लई दुबालम बैलो बेकाय आज कहने लगे चाहे बैलो बेकाय जाए तब कति देव कहने लगे मूर्खा नंदन अगर बैल बिकाए जाए हैं पागल हो का तुम और तब ट्रैक्टर वाला जमाना रहा है ना। अरे बैला बिकाए हैं तो खेती कैसे होए है खेती कैसे होए है चाहे खेती बिकाए ये करकसा नारी घर की स्थिति नहीं पता का है लेकिन खेतों बिकाए जाए चाहे खेतों बिकाए पति देवता कहने लगे अगर खेती बिक जाएगी तो प्रिय ये बताओ अनाज कैसे होगा और जब अनाज नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे कैसे हुई है खाना कैसे हुई है आलू कैसे हुई है चाहे अन्न बिकाए चाहे अन्न बिकाए कहने लगे अगर अन्न बिक जाएगा तो खाओगी क्या अरे अन्न बिकाई है तो लड़का का खाई है तुमको नहीं पता चार पांच लड़का हैं चिंटू पिंटू खगेसर मुनेसर यादव संकता ये सब का खाए हैं प्रिय अन्नों भी नहीं है तो लड़का का खाए हैं प्रकाश दादा चाहे लड़का भी खाए चाहे लड़का भी खाए लटकन लई दुबालम पति देवता कहने के अगर लड़के न रही है तो हम जी के क्या कर लड़का न रहा है इनका बेच दे रहा हो लेकिन अगर इनका बेच दे रहा तो हमारा दिल कैसे मिले भाई क्योंकि लड़का समझो फैलाऊ ना
और ये बात बिल्कुल सच है। जिस घर में दो चार बेटे हैं और माता पिता जब तक उनका चेहरा नहीं देखते तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती। अरे लड़का भी कहीं है तो हम कर गए, चाहे तुम हो बेकार लव कुश भैया, चाहे तुम हो बेकार लटकन लायक भौजी जल्दी दे, चाहे तुम हो बेकार लटकन लाय जवाला, तुम हो बेकार। अरे हम जो भी कई भई तो तुम का करी हो, चाहे हम हो बिकई लटकन लई जवाल, हम हो बिकई तो ऐसी जिद कभी करना नहीं चाहिए। कागा है बाल हट, फरियाद राज हट और योग हट महान।